हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जीएनएम नर्सिंग थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन पेपर के बारे में। यह हमारा मॉडल क्वेश्चंस पेपर है, सेकेंड मॉडल क्वेश्चंस पेपर है, सब्जेक्ट मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। अकॉर्डिंग टू INC इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के थ्रू न्यू पैटर्न चेंज हुआ है, जिसके अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड मैचिंग द फॉलोइंग ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर। वो सारे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन होता है इसका 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन पेपर होता है एंड टोटल मार्क्स होते हैं 75 मार्क्स। 75 मार्क्स में से आपको 38 मार्क्स पासिंग के लाने होते हैं। तो इस तरीके से क्या है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। अब देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे। अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस, कोई भी 6 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और पर क्वेश्चंस के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होता है एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर, और इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटीनेटल केयर से रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज APH यानी एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है, एक्सप्लेन प्लेसेंटा प्रीविया एंड इट्स टाइप्स एंड मैनेजमेंट। प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में आपको लिखना है और इसके जो टाइप्स है उसके बारे में एंड इसके मैनेजमेंट के बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चंस बन सकता है या फिर 15 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया क्या होता है, साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्लेम्शिया, इसके साइन एंड सिम्टम क्या है एंड इसका मैनेजमेंट, और इसके मैनेजमेंट के बारे में आपको लिखना है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिगार्डिंग भी आपका 15 नंबर का या फिर 10 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन इन डिटेल्स पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ क्या होता है उसके बारे में लिखना है आपको कंप्लीटली। तो इससे रिगार्डिंग आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चंस बन सकता है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट आंसर्स देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, फर्स्ट LS CS सीजरन सेक्शन का जो टाइप है उसके बारे में लिखना है आपको एंड सेकेंड वन फिटल स्कल एंड थर्ड वन लोकिया। इससे रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिगार्डिंग आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिफाइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, नेक्स्ट इसी के अंदर टाइप्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के टाइप्स लिखने हैं, साइन एंड सिम्टम लिखने हैं आपको इसके एंड इसके मैनेजमेंट के बारे में आपको लिखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिगार्डिंग आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है या फिर 10 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्ट आंसर्स आपको लिखने हैं। तो क्वेश्चन ए प्लेसेंटा के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एबॉर्शन। इससे रिगार्डिंग भी आपका एबॉर्शन से रिगार्डिंग भी आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बड़ा बन सकता है या फिर 10 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन थे मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल जो नर्सिंग है उसके मॉडल क्वेश्चन पेपर है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इन सभी के आंसर्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।